स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर SSIT वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ इरीगेशन इंजीनियरिंग। वी आर स्टडिंग द चैप्टर 8, रेगुलेटिंग एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज टॉपिक। सो यू कैन सी हियर ऑन योर स्क्रीन दैट इन सम केस वी हैव टू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन विच और स्टोरेज कैपेसिटर विल बी ओवरफ्लो एंड दिस टाइप ऑफ फेनोमिना और प्रॉब्लम्स कैन टेक प्लेस ऑन आवर कंस्ट्रक्शन साइट और एनी डैम एक्सेट्रा, राइट। सो यू कैन सी हियर इन योर स्क्रीन देर आर टू पिक्चर्स ऑफ द फ्लड। सो लेट्स स्टार्ट व्हाई इट इज हैपन एंड व्हाट इज द फेनोमिना। सो हियर ऑन योर स्क्रीन दैट the high flood discharge for a smaller drain can be worked out by using empirical formulas, and for large drain other methods such as hydrograph analysis, Raisonnel method and another methods will be used. So generally smaller drain ke liye hum log empirical formula ka use karenge discharge measure karne ke liye, high flood discharge measure karne ke liye. Aur agar terrain bahut bada hoga to uske liye hum log hydrograph Raisonnel formula aise alag alag methods use karke मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। सो इन जनरल द मेथड यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ द फ्लड फ्लो कैन बी ग्रुप एज फिजिकल इंडिकेशन ऑफ पास्ट फ्लड्स, इम्पेरिकल फॉर्मूलाज एंड कर्वेचर्स, ओवरलैंड फ्लो हाइड्रोग्राफ एंड अ यूनिट हाइड्रोग्राफ। ओके, तो जनरली हम लोग इन तीन मेथडों से एस्टिमेशन देते हैं फ्लड डिस्चार्ज के बारे में। एक तो फिजिकल इंडिकेशन ऑफ पास्ट फ्लड्स, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एवरी 10 डिकेड्स पे इतना फ्लड यहाँ पे हो रहा है, 10-10 साल का डेटा हमारे पास होगा तो उसके ऊपर हम लोग उसको इन जनरल बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं फ्रॉम द पास्ट रीडिंग ऑफ द फ्लड। अनदर मेथड कंटूर चेक करने के बाद, टोटल वॉल्यूम डिटरमाइन करने के बाद हम लोग एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से एंड कर्वेचर्स कि कितना इनफ्लो और आउटफ्लो है वाटर का, उसके हिसाब से हम एक कर्वेचर ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, और या फिर हाइड्रोग्राफ और यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज कर सकते हैं हम लोग। देन द फिजिकल इंडिकेशन के बारे में समझ रहे हैं, फिजिकल इंडिकेशन ऑफ पास्ट फ्लड, फ्लड मार्क्स एंड लोकल इंक्वायरीज। सो द मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज मे बी अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेटेड by inquiring from the residents in the village situated on the banks of the river about the flood marks that the high flood in their memory in the past may have left on the river bank. Okay, so अगर कोई भी region है, village है, ठीक है, कोई भी territory है जहाँ पे flood के chances रहते हैं, ठीक है, तो in past वहाँ पे flood के flood आया होगा तो कुछ ना कुछ marks वहाँ पे रह गए होंगे flood के, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग एक आइडिया ओवरकम ले देख सकते हैं, ठीक है। देन बाय नोटिंग द हाई वाटर मार्क्स अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द वेटेड पेरीमीटर ऑफ द फ्लो सेक्शन एज वेल एज द वाटर सरफेस स्लोप मे बी कंप्यूटेड एंड यूजिंग द मैनिंग्स फॉर्मूला। मैनिंग्स फॉर्मूला यू नो अबाउट दैट, 1/n r = 2/3 r = 1/2। सो विद द सुटेबल एजम्पशंस वैल्यू ऑफ द फ्लड डिस्चार्ज मे बी डिटरमाइंड। आपने काफी जगहों पे देखा होगा, आप इवन कहीं पे लेक देखा होगा तो वहां पे भी एक मार्किंग का रॉड रखा होगा, रेड एंड ब्लैक कलर का, आपने काफी जगह पे देखा होगा, या फिर काफी जगह पे येलो भी मार्क्स किए होते हैं, येलो एंड ब्लैक। वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो आपको मैक्सिमम फ्लड के बारे में दिखा रहे हैं कि ये जो पानी है इस लेक के अंदर या फिर रिवर के अंदर यहां तक मैक्सिमम आ चुका है या फिर आ सकता है फ्यूचर में, तो उसका इंडिकेशन हम लोग कर सकते हैं। देन वेट, ओके, एस्टिमेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज फ्रॉम द रेटिंग कर्व ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई फ्लड, इट इज मोस्ट इम्पॉसिबल टू मेजर द डिस्चार्ज बाय मेकिंग द यूज ऑफ मार्किंग्स ऑफ द हाई वाटर मार्क्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। द एलिवेटेड वाटर लेवल कैन बी कैलकुलेटेड, देन मेकिंग यूज ऑफ दिस वैल्यू हायर वाटर मार्क इज मीटर, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सट्रापोलेशन फ्रॉम द स्टेज ऑफ रेटिंग डिस्चार्ज कर्व। क्लियर, जब हाई फ्लड पीरियड रहता है उस दरमियान हमें जो भी मार्किंग्स किए होते हैं उससे हमारा जो एजम्पशंस रहता है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज का वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं,
बहुत सारे मार्किंग्स का इंटरपोलेशन करते हैं और उसमें एक जनरल वैल्यू पुट करते हैं, मतलब कैप्ट करते हैं कि कितने रेट से इसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है फ्लड के अंदर, और इस हिसाब से हम लोग उसमें गेस कर सकते हैं थ्रू आउट द इंटरपोलेशन ऑफ पास्ट डिकेड्स फ्लड डिस्चार्ज वैल्यू. नाउ द अबो मेंशन कर्व नीड्स टू बी एक्सटेंड फॉर द हायर वैल्यू ऑफ स्टेज. इट इज डन बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट वन इज सिंपल जजमेंट. डायरेक्टली हम देख के जजमेंट कर लेते हैं. अनदर वन इज लॉगरिथमिक मेथड. द अबो मेंशन कर्व नीड्स टू बी एक्सटेंडेड फॉर द हायर वैल्यू ऑफ स्टेज. इट इज डन बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट वन इज सिंपल जजमेंट एंड अनदर इज लॉगरिथमिक मेथड. नाउ टेक अ लुक अबाउट अ सिंपल जजमेंट. So the rating curve can be extended by the simple judgment throughout the graph. You can see here the graph, a simple judgment method, a depth of flow in a meter and the x-axis has the discharge in meter per second. Okay, so we have the readings about the discharge and the depth of water flow, right? So from this curvature you can see it is increasing in a systematic manner. And the curvature is going upward direction. So from the discharge of and the depth ratio, we can find out that it will be increased on the following manner. So that by extending this curvature, we can fight for the particular depth and discharge. Okay, for the particular depth, we can measure the discharge by extending this curve. So this is the simple judgment. Another one is determination of maximum flood discharge. B, logarithmic method. The following equation can be used to extend the rating curve is Q is equal to Kd raised to n. This is the logarithmic method in which where Q is your discharge which is in the Qmax. The stage D which is in the meter. This is the stage in meter. K and n are constant here. By the taking logarithmic of the both sides, we get log Q is equal to log K plus N log D. So if the available curve is plotted on a log-log paper, then it should be a straight line. Okay, if the available curvature is plotted on a log-log paper, then should be a straight line. अब जब आपको पता होगा, आप लोगों ने GGG में देखा था, दो टाइप के ग्राफ होते हैं, सिंपल 1/1 सेंटीमीटर वाला, दूसरा लॉगरिथमिक ग्राफ होता है. अगर आप लॉग ग्राफ के अंदर ये रीडिंग रखोगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी उसके अंदर, और अगर आप नॉर्मल ग्राफ में प्लॉट करोगे तो कर्वेचर जैसा दिखेगा आपको. ओके, सो द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट डिस्चार्ज एज द हायर स्टेज. मतलब हायर स्टेज पे हम उसको एक्सटेंड करेंगे डिस्चार्ज के लिए. क्लियर, फिगर में देखोगे ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा उसको. You can see the depth of water in meter as a y-axis and the discharge is equal to meter cube per second in a s-axis. So in the logarithmic graph, you can see the curvature is extended up to a certain limit and then it will be a straight line. So throughout the straight line, we can extend it to certain limit for the depth of 9 meter. Clear? So if the discharge is about 177 to extend up to 200 mm, then the depth of water will be rise at the certain limit to 8.6 to 8.95 meter. So that is how we can determine the maximum flow discharge depth for the certain river or for certain discharge. Okay, this is the logarithmic method. Now we are discussing about the empirical formulas. So what is the empirical formulas and how we can determine it throughout the empirical formulas, the maximum flood discharge. So the several empirical formula have been developed for the estimating the maximum or peak value of flood discharge. In this formula, the maximum flood discharge Q of a river is expressed as a function of the catchment area A. Most of the formula may be written in a general form as Q is equal to Ca raised to N. So here where C is the coefficient and N is the index. Both the C and N depends upon the various factor such as first one is size, shape and the location of catchment obviously.
and another is the topography of the catchment, right? The third one, the intensity and the duration of rainfall and the distribution pattern of the storm over catchment area. It is the main important factor. So we can consider about the inflow and outflow about this catchment area, for this catchment area. This is the empirical formula. Q is equal to Ca raised to n. Now, the determination of the maximum flood discharge have another empirical formulas like Deacon's formula, Reeves formula, and another formulas. First of all, we have to see about the Deacon's formula. So, the Deacon's formula, you can see Q is equal to Ca raised to 3 by 4, where Q is equal to maximum flood discharge in QMAC. Area is the area of catchment in kilometer square, and C is the coefficient depending upon the region. The maximum value of C will be 35. So the, if the region is North India, then the value of C is lies 11.4. You can see here the graph. It is the region of Central India, then the value of C lies between 13.9 to 19.5. So the Western Ghats, the value of lies C lies between 22.2 to 25. And the maximum value, you can see that C is equal to 35. Clear? Put out this value in this equation and you can get the maximum flood discharge value. Now, throughout the Reeves formula, you can see the both formulas remain same, but the rest value of the A will be changed to the 3 by 4 to 2 by 3 in the case of Reeves formula. In the Deacon's formula, the rest value of A is 3 by 4. But in the Reeves formula, the rest value of A catchment area is 2 by 3. Another terms are remained same, like where the Q is discharged, obviously in the QMAC. A is the catchment area, which is in kilometer square. And the C is obviously the coefficient depending upon the region. So here the region, area within the 24 kilometer from the coast, coastal area, then the value of C is lies between 6.75. Then if the area between 24 km to 161 km from the coast, the value of C lies between 8.45. The limited area near hills, okay, then the value of C is 10. Dear students, please remember this value. We have most IMP values. If you can remember it, it will be helpful in your competitive exams like GATE and GPSC and SPSC or SSC. So please take care of this value and write down. So next we are jump over the another value. You can see the rational method. Like, so what is the rational method? In this method, it is assumed that the maximum flood flow is produced by the certain rainfall intensity which lasts for a time equal to or greater than the period of concentration time. Then a storm continues beyond the concentration time. Every part of the catchment would be contributing to the runoff of outlet, and therefore it is represent condition of peak runoff. The runoff corresponding to this condition is given by Q is equal to 2.78 CIA, where the Q is discharge in QMAC and C is the coefficient which depends upon the characteristics of the catchment area. Now, the catchment IC, what is the IC? So, IC is the critical intensity of the rainfall, which is governed as centimeter per hour, corresponding to the time of concentration TC of the catchment for a given recurrence interval obtained from the intensity duration frequency curve. So, यहाँ पे हम लोग frequency के curve के हिसाब से ये critical intensity जो है centimeter per hour में put करने वाले, find करने वाले, clear? खास याद रखना है ये rational method के अंदर equation mistakes नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. Q is equal to 2.78 CICA. Catchment area दिया होगा, तो critical intensity आपके पास होगी, आपको सिर्फ equation याद रखना रहेगा यहाँ पे. So A is the catchment area, and obviously किलोमीटर स्क्वायर में आएगा. नाउ इन द रेशनल मेथड यू कैन सी द वैल्यू ऑफ आईसी, जो हमने आगे बात की आईसी की, ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे. तो उसका एक अलग से इक्वेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन. आईसी इज इक्वल टू पी अपॉन टी आर.
इनटू ब्रैकेट टीआर प्लस वन अपॉन टीसी प्लस वन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इक्वेशन आपको खास याद रखना है। यहाँ पे पी की जो वैल्यू है वो आपको क्या डिनोट कर रही है, द मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन, ओके, जो सेंटीमीटर में होगा। प्रिसिपिटेशन मतलब कि रेनफॉल, राइट। टीआर इज इक्वल टू स्टॉर्म पीरियड, कितने टाइम तक चल रहा है वो, टाइम ऑफ प्रिसिपिटेशन यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको अवर्स में। एंड टीसी इज टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट अवर, क्लियर। हाउ एवर इफ द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टीसी इज नॉट नोन, देन टीसी इज इक्वल टू पी ओवर टीआर हम ले सकते हैं। अगर टीसी की वैल्यू हमें नहीं पता, कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा उसका, हमने नहीं मेजर किया है, तो हम डायरेक्टली पी ओवर टीआर से उसको डिनोट कर सकते हैं। मतलब पी क्या आपका मैक्सिमम रेनफॉल और प्रिसिपिटेशन डिवाइड बाई द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रिसिपिटेशन, क्लियर। थ्रू दिस इक्वेशन यू कैन फाइंड आउट दिस आईसी एंड पुट दिस आईसी इनटू दिस इक्वेशन ऑफ रेशनल मेथड, क्यू इज इक्वल टू 2.78 सी आईसी इनटू ए। तो ये है उसका इक्वेशन और मेथड, रेशनल मेथड। नाउ आगे बात कर रहे हैं अनदर मेथड, जैसे कि इंग्लिश फॉर्मूला हो गया अपना, ठीक है। अब इंग्लिश फॉर्मूला में क्या है उसका इक्वेशन, q इज इक्वल टू 124a डिवाइड बाय अंडर रूट a प्लस 10.4 इज इक्वल टू 124a रेज टू 1 बाय 2 और 124 अंडर रूट a, दिस इज योर इक्वेशन। हियर यू कैन सी द q इज इक्वल टू 124a डिवाइड बाय अंडर रूट a प्लस 10.4, क्लियर। Where the Q is equal to discharge in Qmec, area of the catchment in meter square. Now English formula is derived by the using the data of river of the Maharashtra where it is commonly used. Here you can see and note down that it will also useful in the case of competitive examination. Ali Nawab Jang Bahadur formula, where the Q is equal to Ca raised to 0.993 minus 1 upon 14 log A, where the Q is equal to discharge in Qmec, A is area of catchment in kilometer square and C is coefficient which varies from the 48 to 60. जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसमें कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो अली नवाब जंग बहादुर फॉर्मूला है उसके अंदर जो C वैल्यू है कोफिशियंट वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म दी होगी, 10 से 20, ठीक है, 28 से 25, 28 से 35, 48 से 60 और दूसरी दी होगी आपको ग्रेटर देन 45 समथिंग लाइक दैट, राइट। सो यू हैव टू सी सिलेक्ट द ऑप्शन सी विच इज 48 टू 60। ये लोग ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं या फिर इंग्लिश फॉर्मूला, और व्हाट इज द इंग्लिश फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग, अलग अलग फॉर्मूला दी होगी उसमें से एक इंग्लिश फॉर्मूला होगा आपका क्यू इक्वल टू 124a डिवाइड बाय अंडर रूट a प्लस 10.4 या फिर 124 अंडर रूट ए, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। नाउ डिटरमिनेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, हियर यू कैन सिंप्लीफाई द अनदर इक्वेशन मेयर्स फॉर्मूला। सो व्हाट इज द मेयर फॉर्मूला, इट इज वेरी सिंपल, क्यू इज इक्वल टू 175 अंडर रूट ए, वेर द डिस्चार्ज इन क्यूमैक इज कैपिटल क्यू एंड एरिया इज द कैचमेंट एरिया विच इज इन किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, डोंट misunderstand with the English formula. It is English formula in which 124 under root A and in the Mayer's formula it is 175 under root A, clear. Now you can see the envelope curves. The area having the similar topographic features and the climatic conditions are grouped together, clear. Jitne bhi topographical features and climate condition hai wo sab ek saath mein rakhne hai uske andar. All available data regarding discharge and the flood formulas are compiled along their respective catchment area. The maximum discharge are then plotted against the area of the drainage basins and a curve is drawn to the cover or envelope. The highest plotted points, which is known as envelope curve, by using envelope curves, the maximum flood discharge may be estimated if the area of the drainage basin is known. Clear? जो भी maximum discharge के points हैं हम उसको cover कर देंगे, plot कर देंगे और जो हमें curvature मिलेगा हम उसको envelope curve से denote करेंगे। मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ उसकी, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देन बाय यूजिंग द एनवेलप को मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज में भी एस्टिमेटेड, और आपको पता है एक्सटेंड करके हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। आप फिगर देख सकते हो यहाँ पे, डिस्चार्ज एरिया एंड द पीक फ्लड डिस्चार्ज, ठीक है।
पीक वैल्यूज है यहाँ पे और ये पे ड्रेनेज की है और ये एनवेलप कव है ऊपर, क्लियर। हर एक की पॉइंट आपने पॉइंट आउट करके एक रीजन फाइंड कर दिया है, लाइन फाइंड कर दिए। अब अगर आपको ड्रेनेज और डिस्चार्ज की वैल्यू ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो, इसके सापेक्ष में अनदर लाइन ड्रॉ करके भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पे प्लॉटिंग करके एजम्पशंस ले सकते हो मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज के लिए, फर्दर फ्लड डिस्चार्ज मेथड के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ तक ही रखते हैं फ्लड डिस्चार्ज, नेक्स्ट लेक्चर में हम अनदर टॉपिक कवर कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप यू कैन अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, यू आर फ्री टू आस्क मी, ऑब्वियसली। थैंक यू।